एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने सबसे पहले कर ली थी उसकी जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सब बच्चों को आवाज आ रही है? हाँ जी, तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जो पॉइंट आपको याद रखना है वो पहला पॉइंट यही बनेगा, मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि जो हमारे अल्कली मेटल होते हैं वो हाईली केमिकली रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या होगा? इसके मेनली दो रीजन होते हैं बेटा। एक तो इनकी जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हमने बताई थी इसकी, वो क्या होती है? लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी लो होने का मतलब क्या है कि इनके वैलेंस शेल में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इजीली अवेलेबल होता है कि वो क्या करवा देता है, उसका लॉस करवा देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट बनेगा कि इनकी लो हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो अल्कली मेटल जो कि हाईली केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं उसके पीछे जो दो रीजन है उनमें से एक रीजन तो है बेटा उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा हमारे पास हो जाएगा लो हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं लिथियम टू सीजियम तो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से जो रिएक्टिविटी होती है बेटा अल्कली मेटल की वो इंक्रीज होगी फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, अब हम लिथियम टू सीजियम ही पढ़ेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम चलेंगे। हमारा ब्लॉक तो एस ब्लॉक तो वही है ना, अल्कली मेटल के हमारे पास लिथियम टू सीजियम ही होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो अल्कली मेटल हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स किसकी तरफ होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल खुद तो कैसे हैं, हमने कल पढ़ी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है इनका, मतलब इनके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। लिथियम के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज था, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन एंड हेलोजन। मेनली ये इनके साथ क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ जी, आप लोग आराम से सुनते रहो, उसके बाद अपनी बुक्स में से पढ़ लेना। उसके बाद क्या है बेटा, आप अपने पास अपनी कॉपी या फिर पेन लेके रखा करो, कोई चीज आपको नोट करनी है तो आप कर लो। ठीक है, क्योंकि हम भी आपको बुक में से थोड़ा सा लिमिटेड पोर्शन आपको ऐसे सोचते हैं कि आपको पढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत लेंथी लेंथी दिया हुआ है, तो मेनली आपको क्या चीजें करनी है कवर वही करवा रहे हैं। उसके बाद देखो बेटा, फर्स्ट जो अब हमारा पॉइंट बनेगा कि इसकी करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो उसमें पहली प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी एक्शन विद एयर। ठीक है, एक्शन विद एयर का मतलब क्या है कि जो अल्कली मेटल हैं वो क्या हो जाते हैं, टर्निश्ड हो जाते हैं ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब टर्निश का मतलब क्या है कि वो मान लो व्हाइट कलर का है कोई भी आपका मेटल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन ब्राउन कलर का, मतलब कलर का चेंज हो जाना वो क्या हो जाता है, टर्निश्ड हो जाता है। एयर में हमने रख दिया तो वो क्या हो गया, टर्निश्ड हो गया ऑन द एक्सपोजर टू एयर। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एट द सरफेस। क्या हो जाती है? ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसके सरफेस के, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, टर्निश्ड हो जाता है। उसके बाद हम बोलेंगे कि जो हमारे अल्कली मेटल हैं वो क्या होते हैं, उनको यदि आप बर्न करो तो वो विग्रेसली रिएक्शन शो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या बनाते हैं, तीन टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। जब आप एयर के सॉरी उनको क्या करवाओगे, बर्न कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास क्या है बेटा, वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो हमारे पास तीन तरह के ऑक्साइड बनते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या है, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपको। हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? तो देखो ये तीन तरह के ऑक्साइड बनाएंगे। नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या है, उसके पास कैसा आयन होगा, O2 नेगेटिव आयन होगा। ठीक है,
सेकंड बनाते हैं ये परोक्साइड। परोक्साइड का मतलब इसके पास कैसा आयन होगा, परोक्साइड आयन होगा। परोक्साइड आयन क्या होता है, O2 2- आयन, ठीक है। थर्ड ये बनाते हैं सुपरऑक्साइड आयन। सुपरऑक्साइड आयन का मतलब इसके पास सुपरऑक्साइड आयन किस फॉर्म में होगा, O2 और फिर ऊपर की तरफ नेगेटिव लगेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, नॉर्मल और सुपरऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, जब हम एयर की प्रेजेंस में इनको बर्न कराते हैं तो ये तीन तरह के ऑक्साइड बनाता है। अब ये क्या है, जो आपने मेटल बर्न करवाया है और जो आप सप्लाई दे रहे हो वहां पे एयर की, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है बेटा। जो मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो किसके ऊपर बनेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो मेटल आप बर्न करा रहे हो और कितनी आप एयर की सप्लाई दे रहे हो उसके ऊपर करेगी। तो हमारे पास ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सभी क्या बना ले, सब नॉर्मल ऑक्साइड बना ले या फिर सब परोक्साइड बना ले या फिर सब सुपर ऑक्साइड बना ले। कंडीशन अब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, कुछ तो आपके नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, कुछ परोक्साइड बनाएंगे, कुछ सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, जो आपका लिथियम होता है बेटा वो ऑक्साइड बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। कैसा बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Li2O, ठीक है, मेनली आपको इस फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद क्या है, जो आपका सोडियम है वो परऑक्साइड बनाता है। परऑक्साइड का मतलब क्या है, Na2O2, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सोडियम। और जो आपके बच गए पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड का मतलब यदि पोटेशियम देखो तो KO2, रुबिडियम देखो तो RbO2, यदि आप सीजियम देखो तो CsO2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आया। पहले हमने क्या बोला कि हम जब इनको बर्न करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये तीन टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अब क्या है, ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप कितनी एयर सप्लाई दे रहे हो, किस मेटल को आप बर्न करा रहे हो, उसके ऊपर आपका मेन प्रोडक्ट डिपेंड करता है बेटा। तो जो लिथियम है वो आपके नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जो सोडियम है वो आपका परऑक्साइड बनाएगा, और जो आपके पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है ये आपके कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लिथियम है वो सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड क्यों बना रहा है, और सोडियम जो है वो परऑक्साइड क्यों बना रहा है, और जो बाकी बच गए वो सब परऑक्साइड क्यों बना रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है ये, तो हमारे पास इसका आंसर ये होगा बेटा, जो फॉर्मेशन है और जो स्टेबिलिटी है किसी भी ऑक्साइड की, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं किसके बेसिस पे, साइज ऑफ कैटायन और एनायन के बेसिस पे, ठीक है। द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ दीज ऑक्साइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कैटायन एंड द एनायन। साइज ऑफ कैटायन का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्कली मेटल आयन, क्योंकि कैटायनिक फॉर्म में तो कौन है आपका, अल्कली मेटल है, और एनायन कौन है, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है इसके साथ जो अटैच हुई है, तो हम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अब हमारे पास जो लैटिस एनर्जी इफेक्ट होता है, जो कि ये बोलता है कि जो स्मॉल साइज कैटायन है उसको स्टेबलाइज कौन करता है, स्मॉल साइज एनायन करता है, और जो लार्ज साइज कैटायन होगा उसको लार्ज साइज एनायन ही स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रही है बात, दोबारा से सुन लो, जो फॉर्मेशन है या स्टेबिलिटी होती है इन ऑक्साइड्स की, उसको हम किस बेसिस पे करेंगे, साइज ऑफ कैटायन और एनायन के बेसिस पे करेंगे। अब हमारा इसका बेस कौन बनेगा, लैटिस एनर्जी इफेक्ट। लैटिस एनर्जी इफेक्ट हमें क्या कहता है कि स्मॉल साइज कैटायन को स्मॉल साइज एनायन स्टेबलाइज करता है और लार्ज साइज कैटायन को लार्ज साइज एनायन स्टेबलाइज करता है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर देंगे। अब देखो कैसे,
जो आपका लिथियम आयन है बेटा वो क्या है, बहुत स्मॉल साइज का है, समझ गए, स्मॉल साइज का है, तो उसके पास क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो फील्ड है वो क्या है स्ट्रोंग है, उसके पास क्या है स्ट्रोंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव फील्ड है उसके चारों तरफ स्मॉल साइज होने की वजह से। तो हमारे पास जो उसके पास एनायन आएगा वो भी स्मॉल साइज का ही आएगा। स्मॉल साइज का मतलब क्या है, जो नॉर्मल ऑक्साइड है आपका वो उसको आके क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। क्लियर है, समझ में आई बात। अब ऐसा क्यों होता है, जो स्मॉल साइज लिथियम आयन है वो क्या करता है, जो स्प्रेडिंग होती है नेगेटिव चार्ज की टुवार्ड्स ऑक्सीजन एटम उसको वो प्रिवेंट कर देता है। इसकी वजह से जो नेक्स्ट ऑक्सीजन आने वाली थी परऑक्साइड की या सुपर ऑक्साइड की वो अटैच नहीं हो पाती बेटा उस ऑक्सीजन के जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है नॉर्मल ऑक्साइड की। क्या बोला मैंने आपको, दोबारा से सुनो, जो आपका स्मॉल साइज लिथियम है वो इतना छोटा है कि जो आपके नेगेटिव चार्ज की स्प्रेडिंग हुई थी ऑक्सीजन के वो दूसरे ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज की उसको इफेक्ट को स्प्रेड ही नहीं होने देता, वो प्रिवेंट ही नहीं होने देता, तो आपका जो नॉर्मल ऑक्साइड है वो चेंज ही नहीं हो पाता पर ऑक्साइड में या सुपर ऑक्साइड में। ठीक है, इसीलिए आपके, अब आप एग्जाम्पल लो सोडियम का, ये तो बात हो गई लिथियम की। अब जो सोडियम है वो थोड़ा लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है तो उसको लार्ज साइज का एनायन स्टेबलाइज करेगा। तो जो पॉजिटिव फील्ड है बेटा सोडियम आयन के चारों तरफ वो क्या है, वीक है। देखो स्मॉल साइज जब आप लिथियम का है तो वहां पे पॉजिटिव फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग थी तो उसने प्रिवेंशन ही दे दी कि वो नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड ही ना होने दे। पर जो सोडियम है वो आपका लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का है तो उसके जो पॉजिटिव फील्ड है सोडियम आयन के चारों तरफ वो वीक है तो वो प्रिवेंट नहीं कर पाता। इसकी वजह से कन्वर्जन हो जाता है ऑक्साइड आयन का किसमें, परऑक्साइड में। क्लियर है, समझ में आ गई। फिर आप पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम आयन के लिए क्या बोलोगे, जो पॉजिटिव फील्ड होती है इनकी वो तो बहुत ही वीक होती है, वेरी वीक, तो उसकी वजह से वो अलाउ ये करता है कि वहां पे क्या बने, सुपर ऑक्साइड बने। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। पहले तो ये पूछा जाता है कि आपके ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड की, सोडियम परऑक्साइड और बाकी बच गए वो सुपर ऑक्साइड। अब ये कहता है कि ये बन तो गए पर इनकी स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमारा फैक्टर आ जाएगा लैटिस एनर्जी इफेक्ट। लैटिस एनर्जी इफेक्ट को आप एक्सप्लेन किस तरह से करोगे, जो पॉजिटिव फील्ड बनता है वो स्मॉल साइज कैटायन जो होता है उसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग होता है और जो आपके लार्ज साइज के कैटायन है उनके चारों तरफ क्या होता है बेटा, वीक होता है। तो हमारे पास जहां पे पॉजिटिव फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो नेगेटिव चार्ज वालों को अटैच होने ही नहीं देगा, तो वहां पे तो आपके नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं और जो आपके लार्ज साइज के कैटायन है वहां पे आपके क्या बनते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दी हुई है बेटा लिथियम और सोडियम की, कि हम उनको किस तरह से प्रिपेयर करें। तो आपको लिथियम ऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करवाना पड़ता है किसका, Li2O2 का। तो Li2O2 क्या है बेटा, एक परऑक्साइड है लिथियम का। कई बार जो लिथियम है वो क्या बना लेता है, परऑक्साइड भी बना लेता है। इसका हम क्या करवा देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करवा देंगे। तो 450 डिग्री सेल्सियस पे हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका सोडियम ऑक्साइड बनाना है आपको। सोडियम ऑक्साइड का मतलब क्या है, Na2O की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट मेथड तो क्या हो जाएगा कि आपको Na2O2 का रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के टू मॉलिक्यूल्स हमने लिए तो हमारे पास टू मॉलिक्यूल Na2O की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसी तरह से
यदि हम NaOH की रिएक्शन करवा दें सोडियम मेटल के साथ तो भी हमें सोडियम ऑक्साइड मिल जाते हैं। यदि आप NaNO2 की रिएक्शन करवा दें सोडियम मेटल के साथ तो भी हमें क्या मिल जाता है बेटा, सोडियम ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसी सिमिलर मेथड ऑफ रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बाकी हम ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो आपका लिथियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड है वो आपके वाइट कलर के होते हैं, जो आपका पोटेशियम ऑक्साइड होता है बेटा वो येलोइश वाइट होता है, जो रूबीडियम है उसका ब्राइट येलो कलर होता है, और जो सीजियम होता है उसका ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को। अब ये तो बात कर ली हमने जब ये ऑक्साइड बना रहे थे, जब क्या बेटा क्या बोल रहे थे, कौन से वाले का बेटा, लिथियम और सोडियम का वाइट, पोटेशियम का येलोइश वाइट, रूबीडियम का येलो, और आपका सीजियम का बनेगा ऑरेंज कलर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमने जब ऑक्साइड बनाए लिथियम का और सोडियम का। ठीक है, अब हम करेंगे परऑक्साइड, कि परऑक्साइड कब बनता है। ये है तो हमारे पीछे जो प्रिपरेशन है वो है ऑक्साइड की, अब हम पढ़ेंगे परऑक्साइड की। परऑक्साइड के लिए पहले तो परऑक्साइड के पास परऑक्साइड जो आयन होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, O2 2-, O2 2- जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक होता है, किसके साथ, F2 के साथ, मतलब इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों। तो एक तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि जो आपका परऑक्साइड आयन है वो किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के साथ मैच करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, F2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आपको क्या बनाना है, लिथियम का परऑक्साइड बनाना है तो Li2O2 ये बनाना है आपको। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड की होती है विद H2O2। ठीक है, क्या है, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी हैं H2O। एक मिनट रुको, क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड विद H2O और किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये H2O2 के साथ। उसके बाद क्या होता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्या बनता है, हाइपर परऑक्साइड बनता है। हाइपर परऑक्साइड का मतलब क्या है, यहाँ पे लिथियम के पास जब एक ऑक्सीजन है, जब तो ये हाइड्रोक्साइड है बेटा, पर जब लिथियम के पास हमारे पास दो ऑक्सीजन आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइपर परऑक्साइड। ठीक है, और ये जो कंडीशन होगी यहाँ पे रिएक्शन की होने की, वो क्या होती है, हीटिंग करनी है अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपको हीटिंग करनी है अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, तो जब लिथियम हाइड्रोक्साइड और आपकी H2O2 की रिएक्शन होगी तो पहले आपका हाइपर परऑक्साइड बनेगा। हाइपर परऑक्साइड की फॉर्मेशन के बाद देखो क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को, बुक्स ओपन करते हो क्या साथ में, कई बच्चे करते होंगे, कईयों की आदत होती है बुक ओपन रखने की। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास बनेगा LiOOH H2O और आपका वाटर बाहर चला जाएगा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर ये जो आपका हाइपर परऑक्साइड बना है इसका, इसको आप हीट करवाओगे तो आपको किसकी फॉर्मेशन मिल जाएगी, लिथियम के परऑक्साइड की। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब ये जो है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, और हमारा जो परऑक्साइड बना है लिथियम का उसका कलर कैसा होगा बेटा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वो डीकम्पोज हो जाता है कुछ टाइम के बाद और दोबारा से क्या बना लेगा, लिथियम का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, क्या बोला, ये इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब हमने कुछ कंडीशन अप्लाई करी है, इंडस्ट्री में इसकी फॉर्मेशन हुई है,
तो हमारे पास क्या है, रिड्यूस प्रेशर जो बोला है और हीटिंग बोला है, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई है, नहीं तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं। परऑक्साइड के लिए हमने कंडीशन अप्लाई करी बेटा कि H2O2 की प्रेजेंस में जब हमने लिथियम के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाए तो हमारे पास परऑक्साइड बन गए, हाइपर परऑक्साइड बन गए, और उसको जब आपने हीट करवाया तो आपके पास लिथियम परऑक्साइड बन गया। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाता है और दोबारा से क्या बना लेगा, लिथियम का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट सोडियम का Na2O2 बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडाइज सोडियम क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइज करना पड़ता है सोडियम को। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, सोडियम ले लो और इसको ऑक्सीडाइज करवा दो H2O2। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। और इसका आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दोगे, फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करवा दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम का परऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात, समझ में आ गई। और यहाँ पे जो ये बना है आपका सोडियम का परऑक्साइड, इसका जो कलर होगा वो होता है पेल येलो। ठीक है, पेल येलो कलर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक आयन होते हैं। सबसे पहले तो दीज कंटेन द पैरामैग्नेटिक O2 नेगेटिव आयन। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेबल कब होंगे, जब आपके पास लार्ज कैटायन होंगे। ठीक है, जो आपका O2 नेगेटिव आयन है, मतलब इसको हम सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है बेटा। तो इसको स्टेबल कौन करता है, लार्ज साइज कैटायन। तो सुपर ऑक्साइड सिर्फ लार्ज साइज के कैटायन बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी हम इनका क्या करवा देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, सुपर ऑक्साइड बन जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो, फर्स्ट हमारी जो थी वो था एक्शन विद एयर। एक्शन विद एयर में ही हमने तीनों ऑक्साइड पढ़ लिए बेटा, नॉर्मल ऑक्साइड भी, पर ऑक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी। सेकेंड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, एक्शन विद हाइड्रोजन में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो अल्कली मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। और जो हाइड्राइड बनेंगे वो आयनिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेटल को, सोडियम मेटल, कोई भी मेटल है, उसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी जब H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमने क्या बोला, मेटल हाइड्राइड बन गई, MH। तो M जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H के ऊपर यहाँ पे के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जो रिएक्टिविटी होती है अल्कली मेटल की विद हाइड्रोजन, अल्कली मेटल है, अब लिथियम टू सीजियम की बात करेंगे हम, जो रिएक्टिविटी है अल्कली मेटल की विद हाइड्रोजन वो इंक्रीज होती है बेटा फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। जो आयनिक करेक्टर है हाइड्राइड का वो भी इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आयनिक करेक्टर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, ये किस वजह से होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होता है, बिकम इजीली अवेलेबल टू हाइड्रोजन टू फॉर्म एच नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आयनिक करेक्टर क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। तो जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज होती है बेटा फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। समझ में आई बात। अब ऐसा क्यों होता है, जो साइज होता है अल्कली मेटल का वो इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। इसकी वजह से जो मेटल और हाइड्राइड के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो
एक्शन विद हाइड्रोजन में पहले हमने रिएक्शन पढ़ ली और ये बता दिया जब हम मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल हाइड्राइड्स बन जाएंगे। उसके बाद जो हमने रिएक्टिविटी देखी बेटा वो तो इंक्रीज हुई फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आयनिक करेक्टर है वो भी हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो बना हमारा वो होता है, हम इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे। स्टेबिलिटी देखते हैं तो हमने ये देखा जो साइज होता है अल्कली मेटल का जब हम लिथियम टू सीजियम मूव करते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो जो मेटल और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड है वो भी तो लार्ज हो जाएगी ना, लार्ज होने की वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बनता है जो हाइड्राइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। क्या है, जो हाइड्राइड्स हैं जैसे लिथियम हाइड्राइड ले लो आप LiH, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओ तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं LiOH और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। यहाँ पे समझ में आ गया, तो लिथियम हाइड्राइड इज यूज्ड, इनका कहाँ पे यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन लिबरेट हुई है तो इसका यूज होगा एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री में जहां पे हाइड्रोजन की जरूरत होती है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। और हमारे जो बलून होते हैं, मेट्रोलॉजिकल बलून्स होते हैं, उनमें हम हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं जो देखो हवा में उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ, उन बलून्स में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे आप यदि लिथियम के हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और साथ में क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, अब जो ये हाइड्राइड्स बने हैं हमारे पास उनका नेचर कैसा होता है, तो वो बिहेव करते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज ही होती जाती है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। क्लियर है सबको, बताओ एक्शन विद हाइड्रोजन में समझ में आ गए सब पॉइंट्स? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो बनेगा इसी केमिकल प्रॉपर्टी में, वो है एक्शन विद वाटर। एक्शन विद वाटर देखो तुमने सबने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। हाईली रिएक्टिव नेचर का मतलब भी ये है कि यदि ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत विकृत रिएक्शन होती है। तो इनको हम रखते भी कैसे हैं, स्टोर करके जब रखेंगे इनको तो हम उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होनी चाहिए वो किस तरह की होती है, देखो लिथियम रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ और क्या बनाता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरह से सोडियम यदि रिएक्ट करेगा तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो लिथियम जो है वो फिर भी थोड़ी बहुत स्लो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, पर जो सोडियम है और बाकी जो मेंबर बच गए इस फैमिली के वो बहुत रैपिड रिएक्शन करते हैं बेटा वाटर के साथ और इमीडिएटली हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और वो क्या कर सकती है, फायर को कैच कर सकती है। ठीक है, समझ में आई, इसीलिए हम क्या करते हैं, दे आर नॉर्मली कैप्ट इन कैरोसिल ऑयल, इनको हम क्या करते हैं, कैरोसिल ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की तो बात हो गई जिससे हमने क्या कर लिया, फायर द कैचेस, सॉरी हमने फायर को कैच किया है। उसके बाद क्या है बेटा, जो हाइड्रोक्साइड बने हमारे पास अल्कली मेटल के, हाइड्रोक्साइड भी तो बन रहे हैं ना, लिथियम का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, पोटेशियम का, सोडियम का। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है तो हम ये कहेंगे जो अल्कली मेटल है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक हैं और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे हो रही है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है मेटल और OH के बीच का। ठीक है, समझ में आया, तो आपके बेस होने का मतलब क्या है, जो अपना OH इजिली दे दे, OH इजीली दे दे का मतलब क्या है, अब यहाँ पे कि आप जब इनकी रिएक्शन देखोगे तो हम टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं बेटा तो साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो मेटल और OH के बीच की बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो वो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो वो इजीली क्या दे देगा, अपना OH इजीली
रिमूव कर देगा। OH रिमूव करने का मतलब ही क्या है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है किससे, लिथियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, एक्शन विद वॉटर समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो बेटा।